बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से मेरे दोस्तों, मेरे मुशाहिदीन, इस वक्त की एक खास अपडेट है ओमान के मौसमियात के हवाले से, वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आज जो अभी आप लोग देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ ओमान और ओमान के दीगर सोशल मीडियाज के ऊपर ये तस्दीक की गई है ओमान की सिविल एविएशन की तरफ से, और इसके अंदर बताया गया कि सल्तनत ऑफ ओमान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तेज़ बारिश हो सकती है। जी आप लोग देख सकते हैं, 29 मई 2021 से लेके 1 मई 2021 तक उन्होंने अलर्ट में शाया की है, यानी कि कल जुमेरात से लेके बरोज़ हफ्ता तक बारिश हो सकती है सल्तनत ऑफ ओमान के दीगर हिस्सों के अंदर। इसके अंदर मज़ीद जो अलर्टमेंट में शाया किया गया कि जिन लोगों के पास मवेशी वगैरह, वो अपनी मवेशी वगैरह को संभाल लें। इसके अलावा जो लोग ज़राअत का काम करते हैं सल्तनत के अंदर, वो अपनी खेती बाड़ी को संभाल लें। इसके अलावा जिन लोगों के घर वगैरह, वो भी अपने जो लीकेज वगैरह उसको रोकने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर कर लें, क्योंकि सल्तनत ऑफ ओमान के दीगर हिस्सों के अंदर इन 3 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है। इसके हवाले से मैं आप लोगों को मज़ीद बता दूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सलाला से थोड़े से एक फासले पर मौजूद इलाका मरबात। मरबात में आप लोग देख सकते हैं, ये जो पहाड़ी इलाका, जो सलाला का जो जबल है जहाँ पे एंड होता है, वहाँ से बादल उठना शुरू हो गए आप लोग देख सकते हैं इस वक्त के मुताबिक। और जैसे जो अलर्टमेंट उन्होंने शाया की है कि सल्तनत के अंदर जो बारिश हो सकती है, तो वो अलर्टमेंट जो है हकीकतन जो है नज़र आ रही है, और हो सकता है कि ये आज रात तक बादल जो है सलाला और इसके आसपास के इलाकों के अंदर भी आ जाएँ, और कल परसों और तरसों हफ्ते तक जो है बारिश हो सकती है ओमान के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। तो जो ओमान की सिविल एविएशन की तरफ से तमाम सिटीजन्स और रेजिडेंट्स के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, उनको लाजमी फॉलो करें, सेफ्टी करके रखें अपनी, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खैर की बारिश सल्तनत ऑफ ओमान के मुख्तलिफ हिस्सों पर हो, ताकि जो मौसम है वो अच्छा हो जाए, और ताकि जो हमारे मुसलमानों के रोज़े हैं वो भी अच्छे तरीके से गुजरें। तो ये तमाम नस्बत तक की अपडेट्स थी ओमान के हवाले से। इंशाल्लाह जैसे और वीडियो न्यू अपडेट्स आती है, वैसे इंशाल्लाह अपने प्यारे मुशाहिदीन के साथ शेयर करेंगे। बस यही कहेंगे आप लोगों से कि अपनी हफाजत करें, और राव फजल अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।